हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम पावर पॉइंट के अंदर हम क्या है जो हमारी मूवी होती है, हम मूवी लगाना सीख रहे हैं। मूवी आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा? इंसर्ट टैब के अंदर मूवी। अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में कोई भी वीडियो है, कोई भी मूवी पड़ी है, आप उसको अपनी प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। हम कैसे लगाएंगे? मूवी में जाएंगे, जहाँ भी आपकी कहीं भी जो भी किसी भी फोल्डर में या जिस भी लोकेशन पे क्या आपकी क्या पड़ी है, मूवी पड़ी है, वीडियो पड़ी है, वहाँ आप क्या करोगे, वहाँ से उसको चूज कर लोगे। मेरी यहाँ पे वीडियोस वाले का फोल्डर में पड़ी है, उसके अंदर सैम्पल वीडियोस के अंदर मेरी ये वाइल्ड लाइफ वाली वीडियो पड़ी है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर दिया। तो अभी आपसे ये पूछ रहा है कि जब आपका स्लाइड शो होएगा स्टार्ट, तब आप ऑटोमेटिकली अपनी वीडियो चलाना चाहते हो या फिर आप क्लिक करने पे फिर आप वीडियो अपने स्टार्ट करना चाहते हो? तो अभी हम फिलहाल ऑटोमेटिकली वाला चूज़ करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लाइड शो रन कर रहे हैं, F5 हमने कर दिया। तो आप देखोगे कि हमारी जो वीडियो है क्या होने लगी, प्ले होने लगी। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारी वीडियो क्या हो जाती है, पोज हो जाती है, और फिर हम एक बार क्लिक करते हैं तो हमारी वीडियो क्या होने लग जाती है, प्ले होने लग जाती है। अभी हमने एस्केप की प्रेस कर दिया और हम क्या आ गए, वीडियो से बाहर आ गए। सपोज आप अपने खुद के बटन बनाना चाहते हो कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरी वीडियो का वो प्ले हो, अदरवाइज मेरी वीडियो क्या आ जाए, पॉज हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेआउट चेंज कर लेते हैं। मैंने ब्लैंक लेआउट ले लिया और ये हमारी क्या है, वीडियो है। आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे ये ले लिया। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमने इसकी क्या है, पिक्चर का स्टाइल ले लिया, जो फ्रेम से टाइप बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ शेप हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो बटन बनाएंगे, एक प्ले के लिए और एक यहाँ पे स्टॉप के लिए। तो जैसे हम यहाँ पे पहले क्या है, स्टॉप के लिए बटन बना रहे हैं, यहाँ पे हमने इस पे सर्कल, ये सर्कल वाली शेप ले ली, ओवल वाली। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम स्टॉप वाला बटन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और शेप ले लेते हैं, स्टॉप वाला। कुछ बटन ऐसे हो जाता है जब हम कोई भी वीडियो स्टॉप करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी जो सेंटर वाला बटन है, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल के अंदर, मतलब जो आपकी शेप है उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइट कलर फिल कर देंगे। और यहाँ पे अगर आउटलाइन करना चाहते हो, जो भी आपने आउटलाइन करनी है, आप आउटलाइन चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नो आउटलाइन चूज कर रही हूँ। अभी हमने इसको पूरे को एक ही बटन बनाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया और यहाँ पे बाहर वाले जो शेप थी उस पर क्लिक किया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे मेरी दोनों शेप्स थी वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। आप राइट क्लिक करके भी ग्रुप कर सकते हो या फिर आपके पास यहाँ भी ग्रुप की ऑप्शन मिल जाती है फॉर्मेट टैब के अंदर। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये होल सिलेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि अभी ये पूरा एक बटन बन चुका है या पूरी एक शेप बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम एक प्ले के लिए शेप भी ऐड कर लेंगे। शेप्स में जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये शेप में जाके यहाँ पे एक सिंपल बटन ही उठा लेते हैं, जैसे ये वाला होता है, तो यहाँ पे हम सीधा बटन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे नन कर देंगे कि यहाँ पे मेरे को कोई एक्शन नहीं चाहिए और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे आप क्या करोगे, वीडियो पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप आओगे एनिमेशन टैब के अंदर और यहाँ पे आप क्लिक करोगे कस्टम एनिमेशन के अंदर। जब आप यहाँ पे एनिमेशन के टैब के अंदर जाते हो, तो आप जहाँ पे जो एड इफेक्ट है ना, आप देखोगे उसके अंदर आपका मूवी एक्शन वाला जो ऑप्शन होती है वो ऐड हो जाती है ऑटोमेटिकली, जब आप मूवी या वीडियो पे क्लिक करके आप कस्टम एनिमेशन के अंदर जाते हो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है मूवी एक्शन प्ले पॉज स्टॉप। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो सिंपल होता है, तो आप देखोगे ये वाला जो सिंबल होता है हमारा प्ले के लिए होता है, और जब मैं माउस ओवर लेके आ रही हूँ, मतलब माउस इसके ऊपर लेके जा रही हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है प्ले वाइल्ड लाइफ WMV, मतलब ये प्ले का मतलब अगर आपने कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है तो प्ले के ऊपर परफॉर्म होगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, पोज का बना हुआ है, अगर आपने पोज करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पोज कर सकते हो अपनी वीडियो। तो हम यहाँ पे एक प्ले के लिए और यहाँ पे क्या है, एक पोज के लिए क्या कर देते हैं, एक्शन लगा देते हैं कि अगर मैं इन बटन्स पे क्लिक करूँ, तो इस पे क्लिक करूँ तो मेरी वीडियो प्ले होनी चाहिए, अगर इस पे क्लिक करते तो हमारी वीडियो क्या होनी चाहिए, पोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, ये हमारा क्या है प्ले बटन है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा किस लिए है, प्ले मूवी के लिए है। तब उसके बाद आप टाइमिंग पे क्लिक करोगे, उसके बाद ट्रिगर्स पे आपने जाना है। ट्रिगर्स में वो कह रहा है स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक ऑफ, मतलब जो हमारा कब इफेक्ट स्टार्ट हो, जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें। किस बटन के ऊपर क्लिक करें, तो मेरे को ये प्ले करना है, तो यहाँ पे मेरा एक्शन बटन था, तो हमने यहाँ पे जो फॉरवर्ड वाला एक्शन बटन होता है ना, हमने यही ले लिया कि हमने यहाँ पे प्ले के लिए इसको
जब हम इस पे क्लिक करें हमारी वीडियो क्या होनी चाहिए, प्ले होनी चाहिए। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा ये बटन है इस पे हम पॉज वाला एक्शन लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब मैं माउस ओवर लेके जा रही हूँ, सॉरी यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है पॉज वाइल्ड लाइफ दिस। अगर आपने मतलब इसको पॉज करना है वीडियो को, तो आप क्या किस पे क्लिक करके करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, मतलब आप इस पे क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हो, क्या क्या आपने अप्लाई करना है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइमिंग में जाएंगे, यहीं पे हम जाएंगे स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा ग्रुप बना हुआ था हमने यहाँ पे, ये देखो ये ग्रुप बनाया था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप 6, हमने ये ऑप्शन चूज कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो हमने यहाँ पे इफेक्ट लगा अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे देखो दो हमारे हैंड आ रहे हैं, या दैट मीन्स कि हमने इफेक्ट ऐड किए हुए हैं। अभी हम F5 करेंगे, स्लाइड शो हमारा रन कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ये बटन प्ले के लिए था, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखोगे हमारी वीडियो है जो प्ले होने लग गई है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आप देखोगे हमारी वीडियो क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। तो आप अपनी क्या कर सकते हो, कस्टम वे से आप क्या कर सकते हो, वीडियो स्टॉप एंड पॉज, सॉरी प्ले एंड पॉज का बटन खुद बना सकते हो। या फिर आपको बाय डिफॉल्ट तो जब क्लिक करते हो तो स्टॉप एंड पॉज तो वहाँ पे, सॉरी प्ले एंड पॉज तो वहाँ पे होता ही है। तो आप इस तरीके से क्या बना सकते हो, यहाँ पे ये प्ले के लिए हमने बनाया है, यहाँ पे हम प्ले होएगी हमारी वीडियो, यहाँ पे हमारी वीडियो क्या होगी, स्टॉप होएगी। तो आप इस तरीके से आप अपने बटन्स, कस्टम बटन्स यहाँ पे बना सकते हो, अपने इफेक्ट्स आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।